नमस्कार, सप्तर्षि एस्ट्रोलॉजी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम गुरु का गोचर जो मकर राशि पर आ रहा है और शनि के साथ युति कर रहा है, उसके विषय में हम बात करेंगे। गुरु अत्याचारी अर्थात तेज गति से गोचर करते हुए 29 मार्च 2020 को मकर राशि में आ जाएगा और शनि के साथ युति कर लेगा। पुनः गुरु 14 मई को बकरी होगा एवं 30 जून 2020 को पुनः जो है ये धनु राशि में आ जाएगा। वैसे गुरु जो है पूर्णतः 20 ग्यारह 2020 को मकर राशि में आएगा, परंतु हम इस वीडियो में, आज के इस वीडियो में हम उस वाले गुरु की बात हम नहीं करेंगे जो 20 नवंबर 2020 को आएगा। हम ये वाले गुरु के बात करेंगे जो अत्याचारी होकर के जा रहा है और बकरी होकर के आ रहा है, इसके विषय में हम बात करेंगे। और यानी कि 29 मार्च 2020 से जब गुरु शनि की युति होगी और 30 जून 2020 तक जब गुरु शनि से अलग हो जाएगा, यानी गुरु धनु में आ जाएगा, इस विषय में हम आज बात करेंगे। वैसे तो देखिए नवग्रहों में जो है राहु केतु छाया ग्रह हैं जो कि 18 महीने एक राशि पे रहते हैं, परंतु यदि इनको छोड़ दिया जाए तो केवल गुरु शनि ही एक ऐसे ग्रह हैं, दो ऐसे हैं ग्रह जो कि एक साल से ज्यादा रहते हैं एक राशियों पे। और जैसा कि हम जानते हैं सबसे बलवान सूर्य है, फिर चंद्रमा है, फिर मंगल है, फिर बुध है, फिर गुरु है, फिर शुक्र है, शनि है, फिर राहु केतु, इस तरह से हैं। लेकिन चूंकि जो ग्रह किसी राशि पे बहुत ज्यादा समय तक रहता है उसका फल दिखता है। अब जैसे सपोज करिए सूर्य आपका अशुभ है तो एक महीने के लिए अशुभ रहा, फिर अगले महीने फिर अच्छा हो गया। लेकिन अगर गुरु अशुभ है तो एक साल के लिए अशुभता उसका कहीं कहीं दिखेगा। शनि अगर अशुभ है तो वो कम से कम 2.5 वर्ष के लिए उसका फल है जो दिखेगा। इसलिए जो है गुरु शनि से वर्ष फल बनता है। अगर कुंडली में गुरु शनि की स्थिति अच्छी है या खास करके गोचर में जब जो है जिस वर्ष जो है गुरु शनि की स्थिति अच्छी होती है तो वो वर्ष हम अच्छा समझते हैं। अगर उस साल जो है दशा अंतरदशा भी अच्छी चल रही है तो उसका फल फिर बढ़ जाता है। अगर गुरु शनि में एक अच्छा है एक अशुभ है तो फल हम मध्यम कह सकते हैं। ये दोनों ही अशुभ है तो फल जो है हम अच्छा नहीं करेंगे। लेकिन इसके बावजूद भी अगर दोनों अशुभ हैं और दशा अंतरदशा अच्छी चल रही है तो भी बहुत ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए हमेशा जो है गोचर को दशा अंतर दशा मिला करके देखते हैं। लेकिन फिर भी हम एक मार्गदर्शन के लिए कि हम कैसे सावधान रहें, क्या क्या हम करें क्या ना करें, और इसके लिए हम प्रत्येक राशियों में क्या क्या इसका फल होगा उसके बारे में बात करेंगे। और पहले तो हम ये चीज बात करेंगे कि गुरु और शनि की क्या स्थिति है। गुरु मकर राशि में नीच का होता है, परंतु शनि की उपस्थिति से उसके सुफल बढ़ जाएंगे। जैसे जिनके ऊपर 7.5 चल रही है, 2.5 चल रही है, या जैसे कन्या राशि पे जो कंटक चल रहा है तो गुरु की युति होने से जो है वो कहीं कहीं शुभ हो जाएगा, तो सुफल की अपेक्षा हम कर सकते हैं, या अथवा हानि जो है कहीं कहीं घट जाएगी। लेकिन ये चीज इसमें हमें और भी हमें देखना है कि गुरु शनि दोनों जो है लगभग जो है 11 मई को जो है गुरु बकरी होगा और 14 मई को शनि बकरी होगा। इन सब का ध्यान में रखते हुए कि मतलब गुरु शनि की युति और 11 और 14 को गुरु शनि का बकरी होना, इन सब का ध्यान रखते हुए हम प्रत्येक राशियों का क्या इसका फल होगा हम उसके विषय में बात करेंगे। मेष के लिए, मेष राशि वालों के लिए शनि गुरु की
दशम भाव की युति सुफलदायक है। मान सम्मान पद प्रतिष्ठा में वृद्धि के योग है। धार्मिक एवं सामाजिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। राजनीति से जुड़े लोगों को महत्वपूर्ण पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति संभव है, परंतु व्यापार व्यवसाय से जुड़े लोगों को जोखिम लेकर काम नहीं करना चाहिए। वृषभ राशि वालों के लिए भाग्य भाव में गुरु शनि की युति शुभ है। धार्मिक यात्राओं के योग हैं। शुभ कामों में धन का व्यय होगा। शुभ समाचार की प्राप्ति के योग हैं। उन्नति का मार्ग प्रशस्त होगा। व्यापारी वर्ग को नए कार्य में रुचि बढ़ेगी। नौकरी पेशा वर्ग की पदोन्नति के योग हैं। सेहत में सुधार के योग हैं, परंतु आपकी भागदौड़ बढ़ सकती है। मिथुन राशि, शनि की ढैया तो है, परंतु अष्टम भाव का गुरु धनदायक होता है। आपका किया गया परिश्रम सार्थक होगा। सावधानी से निर्णय ले, उन्नति का मार्ग प्रशस्त होगा। खान पान को लेकर सावधान रहें। कुछ काम बनेंगे आपके, परंतु जो है 14 मई के बाद से अति विश्वास से बचेंगे और धन का निवेश भी सावधानी से करेंगे। लेकिन एक चीज अच्छी बात है कि अगर आपकी कोशिश है तो अस्थाई धन संपदा में वृद्धि के योग भी है। कर्क राशि वालों के लिए सप्तम भाव में गुरु शनि मध्यम फलदायक है। व्यर्थ के बाद विवाद से बचें। काम काज के क्षेत्र में उन्नति के योग हैं। शीघ्रता के कार्यों में हानि के योग हैं, परंतु दूरगामी निर्णय आप लेंगे, अगर आप सोच विचार करके काम करेंगे, दूरगामी निर्णय लेंगे, तो धीरे धीरे उन्नति भी होगी। और खास करके जो नौकरी पेशा वर्ग के हैं उनकी पदोन्नति के भी योग हैं, और देश विदेश की यात्राएं हो सकती हैं, बदलाव के भी अच्छे बदलाव के योग बन सकते हैं। सिंह राशि वालों को व्यर्थ के संघर्ष का सामना तो करना पड़ सकता है, परंतु एक अच्छी बात क्या है कि बहुत दिनों से रुके हुए काम बन सकते हैं। नई कार्य योजनाएं आपको लाभ दिलाएंगी। बहुप्रतीक्षित कार्य ही पूर्ण हो सकता है। विरोधियों से तथा सेहत के प्रति, दोनों के प्रति आपको सचेत रहना है। इस समय आलस का त्याग करें। यदि आपका मेहनत परिश्रम है तो कोई बड़ा बदलाव संभव है जीवन में। सब मिला करके यही हम कहेंगे सिंह राशि वालों के लिए कि यदि आप सावधान और सतर्क रहते हैं तो ये समय आपकी अच्छी सफलता की है। कन्या राशि, पंचम का शनि, जो मेरा अपना एक अनुभव है कि गोचर में पंचम का शनि दानहानि कराता है, संतान संबंधी चिंताएं भी देता है, परंतु गुरु की युति शनि के साथ जो है होने से ये आपका हानि रुकेगा और आपका लाभ का मार्ग भी प्रशस्त होगा। धार्मिक एवं परोपकारी कार्यों में रुचि बढ़ेगी। संतान के दायित्व की पूर्ति होगी। नौकरी पेशा वर्ग की पदोन्नति अथवा स्थान परिवर्तन भी संभव है, परंतु अभी भी आपको जो है धन का जो निवेश है, चाहे आप व्यापारी वर्ग हो चाहे नौकरी पेशा वर्ग हो, धन का निवेश बहुत सावधानी से सूझबूझ करके करना चाहिए। तुला राशि, घर परिवार की चिंताएं रहेंगी। वाहन सुख के योग हैं। सफलता के लिए अपने प्रयास बढ़ाना होगा। विदेश यात्रा के योग हैं। वाणी की सौम्यता बनाए रखें। व्यापारी वर्ग के कार्य विस्तार के योग हैं। जिनका व्यापार व्यवसाय है उनके लिए उन्नति संभव है, और नौकरी पेशा वर्ग को अपने सहयोगियों से तालमेल बना करके चलना चाहिए। यदि आवश्यक अगर ना हो तो कोई भी पेशे में आप हो तो बड़ा जोखिम लेने से बचें, और ना ही कोई बड़ा धन का निवेश करें, और सेहत के प्रति भी सचेत रहें। वृश्चिक राशि, आपका परिश्रम सार्थक होने के योग हैं। सफलता के नए अवसर आपको प्राप्त होंगे। आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे। राजनीति से जुड़े लोगों को जन समर्थन मिलेगा व्यर्थ के, परंतु ध्यान रहे कि अपनों से या
किसी से भी वाद विवाद से बचना है। समय शुभ है परंतु अत्यधिक क्रोध अथवा भावुकता में कोई ऐसा काम नहीं करना है जिससे कि बाद में पछतावा हो। धनु राशि, द्वितीय भाव में गुरु शनि की युति धनदायक है, पदोन्नति के भी योग हैं, घर परिवार में शुभ काम की योजनाएं बन सकती हैं, वाहन सुख के योग हैं, परंतु व्यर्थ की चिंताएं अभी भी मन को पीड़ा देती रहेंगी। अब ये भी ध्यान रखें कि अपनी कोशिश में कमी न लाएं, धीरे धीरे आप अपनी स्थिति को मजबूत कर सकते हैं। वाणी की सौम्यता बनाए रहें, वाणी भाव में है गुरु, तो वाणी की सौम्यता अगर आप बनाए रखेंगे तो इससे लाभ होगा या इससे आप अपने संकटों से बच सकते हैं। मकर राशि, मकर राशि में ही गुरु की शनि के साथ युति हो रही है, अतः मकर राशि के लिए ठीक है, अच्छा है, महत्वपूर्ण है ये। धार्मिक और परोपकारी कामों में रुचि बढ़ेगी, दूर की यात्राओं के योग बन सकते हैं, परंतु अगर अच्छी सफलता चाहते हैं तो अपनी कोशिश भी बढ़ाना पड़ेगा और संकोच ना करें, अपनों से आप सहायता ले सकते हैं। सेहत में सुधार के योग हैं, परंतु कोई भी कुछ ऐसी भी घटनाएं हो सकती हैं जो व्यर्थ में आपको पीड़ा दे सकती हैं, अतः धैर्य से काम लेना हितकर रहेगा। कुंभ राशि, आय व्यय में संतुलन बनाकर चलें, विदेश की यात्रा के योग हैं, नौकरी पेशा वर्ग को यथास्थिति बनाए रखना चाहिए एवं व्यापारी वर्ग को नया निवेश बहुत सोच समझ करके करना चाहिए। किसी प्रति विश्वास से बचें, शुभ कार्यों में धन का व्यय होगा और आपके अगर हम काम काज की स्थिति देखें तो मध्यम है और बड़े जोखिमों से बचना चाहिए या बड़े विश्वास से बचना चाहिए। मीन राशि, एकादश भाव में गुरु शनि की युति शुभ है, धनदायक है, आर्थिक एवं व्यवसायिक प्रगति के योग हैं, बहुप्रतीक्षित कार्य भी पूर्ण हो सकता है, संतान के दायित्व की पूर्ति होगी, परंतु उम्र दराज जो लोग हैं जो 55-60 के ऊपर के हैं उनको अपने सेहत के प्रति ध्यान रखना चाहिए। यदि दशा शुभ चल रही हो तो ये समय जो है आपके लिए बहुत अच्छा है और एक किसी अच्छे काम की शुरुआत भी हो सकती है, अस्थाई धन संपदा में वृद्धि के योग है। तो देखिए जो हमने ये बताया हर राशियों का राशिफल, इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि यदि आपकी दशा अंतरदशा अच्छी है तो जो अच्छे फल हैं और बढ़ जाएंगे, यदि दशा अंतरदशा अशुभ है तो कहीं कहीं अच्छे फल भी घट सकते हैं। तो इन ये अच्छा बना रहे, सब कुछ बेहतर रहे, इसके लिए हम क्या ऐसा हम काम करें, क्या ऐसा हम उपाय करें कि जो नुकसान हो वो घटे और सौभाग्य जो है बढ़े। देखिए इसमें उपाय तो बहुत सारे हैं लेकिन हम आपको जो है दो चार हम उपाय बताएंगे जो आवश्यक है। पहला चीज है कि शनि और गुरु का कोई भी संबंध जो है ये शुभ ही होता है। मेरा जो अपना अनुभव है कि बल्कि शनि और बृहस्पति के संबंध में ज्योतिष में बहुत जगह ऐसा भी है कि ऐसा जातक जज बनता है या जो है कंसल्टिंग का काम करता है, या अगर जज नहीं बन सका शनि और गुरु की युति या दृष्टि संबंध से या उस जैसा कुछ नहीं बन सका, उसका विचार बहुत अच्छा होता है। वो अपने को जो है कहीं कहीं उचित अनुचित में उसको समझने में भेद होता है, वो समझता है क्या उचित है क्या अनुचित है। तो इसके लिए सबसे अच्छा उपाय तो यही होगा कि हम परोपकार पर ध्यान दें, जहां तक हो सके अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार दूसरों का भला करें, सोचें और बड़े बुजुर्गों की सेवा करें, उनका आशीर्वाद लें। वैसे तो हमेशा ये सब करना चाहिए लेकिन इन सब के जो है आशीर्वाद से जो है आपको उन्नति के मार्ग स्वस्थ होंगे। विष्णु सहस्र नाम का पाठ करें, गायत्री का जप करें, हल्दी या रोली का जो है माथे पे तिलक लगाएं और एक रोटी में
गुड़ चने की दाल मिला के गाय को दे सकते हैं। तो ये सब आप काम करें और